भारतीय संचार निगम लिमिटेड खूंटी में कार्यरत उषा देवी एवं अन्य 11 कर्मचारियों को 8 महीने से वेतन नहीं मिलने के संबंध में पिछले वर्ष 2014 में मैंने एक वीडियो बनाई थी। जब ठेकेदार को बात करते हैं तो ठेकेदार बोलता है जीएम से भेंट कीजिए, जीएम बोलता है कि हम ठेकेदार का हाथ दे दिया वो पेमेंट करेगा बोल के। अभी इतना तकलीफ हो रहा है, उधार पैंचा कर्जा करके घर द्वार चला रहे हैं, आधा रोटी खा के पानी पी के रह रहे हैं। कारण है ये डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट जो है ना सो हमारे ऊपर कुछ नहीं सोच रहा है, ये डिपार्टमेंटल पॉलिसी है। हाँ, वो मैटर से उसका है, ठेकेदार का है, डिपार्टमेंट का है, तो बीच में लेबर पिसा रहा है। अधिकारी तो कहते कहते थक गए, रोज एस डी ओ साहब के पर बोलते हैं सर भूख मरी है, घर में चूल्हा जले को उपाय नहीं है। अच्छा देखते हैं जी, उपाय करते हैं जी। हमने डिसीजन लिए कि अगर हम लोग का मैम अगर क्लियर नहीं होगा तो हम लोग एस डी ओ और जी एम के खिलाफ केस करेंगे। वीडियो के थ्रू से ही रांची का लेबर कमिश्नर को जानकारी हुआ, हो सकता है आप ही का एरिया से ही, और यहाँ इंक्वायरी के लिए आया दो जन रांची का लेबर कमिश्नर से, और कितना स्टाफ है बोल के वो लोग नाम लिख के ले गए, और कितना दिन कितना साल से काम कर रहे हैं उसको भी लिख के ले गए। जो नया ठेकेदार है वो 7 महीना का वेतन दिया और पुरान का 2 महीना का, उसमें अभी 3 महीने का बकाया है। तो अभी आप लोग को कुल कितना महीना का वेतन मिला है? अभी हम लोग को कुल दोनों नया और ठेकेदार मिला के 9 महीना का वेतन मिला है। ये नया ठेकेदार है वो 2 महीना के बाद चाहे 3 महीने के बाद का 1 महीना का वेतन दे रहा है, लेकिन तो दे रहा है। तो रेगुलर पेमेंट हो रहा है लेकिन बैक डेट का पेमेंट हो रहा है, जैसे आज हर महीना इस महीना होगा ना, तो इस महीना मेरा उस महीना अक्टूबर का हुआ है, इस महीना मेरा फिर नवंबर का होगा, हाँ फिर अगले महीना दिसंबर के होगा, इस तरह से करते जा रहा है। रेगुलर अभी दे रहा है वो, लेकिन वो 7 महीना जो हम लोग के कारण पीछे जो गया सो पीछे ही होते जा रहा है। हम लोग तो जो स्ट्राइक किए थे कि हम लोग को ठेकेदार के अधीन नहीं काम करना है, हाँ चाहे डिपार्टमेंट रहे चाहे मार मिल जाए कोई मतलब नहीं है, इस मकसद से हम लोग काम छोड़ दिए। लेकिन बाद में सबके बीवी है, बच्चा है, कहाँ से पालेगा पोसाएगा, ध्यान आया तो सर अपन अपन काम पर फिर लौट आया। सर मंत्रालय का न्यूनतम मजदूरी 155 रुपये था, उस समय रांची में 90 रुपये का पेमेंट कर रहा था, लेकिन डिपार्टमेंट से कहना है कि तुम्हारा ईपीएफ काट रहे हैं। स्थायीकरण को लेकर पेपर में दिया है दैनिक जागरण में कि जी मंत्रालय से भेजा गया है जीएम के यहाँ कि जब इतना साल से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो कुछ लेबर लोग जो दैनिक मजदूर हैं उन लोग को स्थायीकरण किया जाए और 16,000 तक पेमेंट किया जाए बोल के पेपर में देखे हैं, बाकी तो कोई और नहीं है। विभाग की ओर से अभी तक आप लोग को कोई जानकारी नहीं मिला है? इस पहल के लिए मैं संबंधित पदाधिकारियों को धन्यवाद देती हूँ। अतः आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि इन कर्मचारियों का जो बकाया राशि है उनका भुगतान करने हेतु तथा नियमित वेतन देने के लिए संबंधित पदाधिकारी जिनके नंबर नीचे दिए गए हैं इस नंबर पर कॉल करके आप हमारी मदद करें। मैं अमिता, झारखंड के खूंटी जिले से, इंडिया अनहर्ड के लिए।